हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम दो हैंगिंग प्लांटर बनाएंगे जो प्लास्टिक की बोतल से बना हुआ है, जो कि बेकार पड़ी रहती हैं। उनसे बना के हमने तैयार किए हैं। देखिए कि किस तरह से लग रहे हैं बनने पर ये। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। एक में हमने पेंट किया है और दूसरे में हमने जूट की रस्सी का यूज़ किया है। तो दोनों ही प्लांटर जो है तो बन के काफ़ी अच्छे तैयार हुए हैं। तो चलिए आप भी देख लीजिए कि इसको बनाना कैसे है और बनने के बाद ये लगेगा कैसे। तो सबसे पहले बोतल जो है तो उसको हमको कट कर लेना है और उसको शेप में हम काट लेंगे। पहले से आप चाहें तो निशान भी लगा सकते हैं, और अगर आप काट सकते हैं तो इसको इस तरह से काट लीजिए। और बस इसको इस तरह से काटने के बाद हमको इसमें पेंट करना है। आप कोई भी कलर इस पर कर सकते हैं। तो देखिए इसको हमने किस तरह से हमने काट दिया है और इसमें तीन तरफ से शेप दे दिया है, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये देखिए इस तरह से अब इसमें डोरी डाल के हम इसको हैंग करने के लिए तैयार करेंगे। ये तीन पोर्शन हमने काट दिए हैं। अब बस इसके बाद हम इस पर कलर करेंगे। आप अपनी इच्छा के अनुसार जो भी कलर करना हो तो उसको करिए। इधर पर हमने एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है। उसके बाद हमने लेमन येलो कलर से इस पर इस तरह से कुछ पॉइंट रखे हुए हैं, जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और बस देखिए इस तरह से ये बॉटल जो है तो बन के तैयार हो गई थी, एक हैंगिंग प्लांटर। और बस इसको इस तरह से आप बना लीजिए। और बस पहले हमने रफ़ काम किया था, उसके बाद हमने इस पर फिर से फिनिशिंग दी थी। तो इस तरह से ये बॉटल जो है तो बन के तैयार हो गई है। आप इस पर कोई भी डिज़ाइन किसी भी तरह से बना सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा है, कोई भी कलर कर सकते हैं। अब देखिए ये बन जाने के बाद इसमें हम तीनों तरफ छेद करेंगे, जिसमें कि हम रस्सी को बांध के और इसको अच्छे से हैंग कर सकें। तो बहुत आसान सा है। इसमें देखिए एक पुरानी पड़ी हुई सलाई थी हमारी ऊन की, तो बस इसको हमने गर्म किया है और तीनों तरफ हमने इस तरह से इसमें छेद कर दिया है। इधर पर थोड़ा सा हाथ को बचाते हुए आप करिए। तो बस इधर पर छेद करने के बाद जो सुतली थी, जो जूट की रस्सी होती है, तो उसको तीन भाग हमने इस तरह से ले लिए हैं। जितनी लंबाई में आपको लेना है उस हिसाब से ले लीजिए और नीचे साइड को इससे तीन चार नॉट लगा दीजिए, जिसमें कि ये जो हमने छेद किया है तो उसमें से उसको निकलना नहीं चाहिए। और बस इसमें देखिए इस तरह से हम डाल देंगे तीनों ही रस्सियां तीनों तरफ से। तो ये हैंग करने के लिए जो हमारा प्लांटर है तो वो तैयार हो जाएगा। तो देखिए इधर पर तीनों तरफ हमने डाल दिया था और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से हमारा ये प्लांटर जो है एक बेकार पड़ी बोतल से तैयार हो गया है। तो ये इधर पर हमने बना लिया था, तीनों ही रस्सी जो है तो हमने बांध ली थी। और ऊपर देखिए इस तरह से और बिल्कुल एक सार करके और ऊपर भी एक नॉट लगा दीजिए, जिससे कि ये बहुत अच्छे से हैंग हो जाए। तो देख आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक पुरानी बोतल एक नए हैंगिंग प्लांटर में बन के तैयार हो गया है। और बस अब इसमें हम लगाएंगे प्लांट। तो देखिए इसमें थोड़ी सी हमने मिट्टी रेत डाली है और बस इसमें देखिए थोड़ा सा खाद भी डाली थी। और इस तरह से हमने इधर पर ये प्लांट की कटिंग जो है तो उसको हमने लगा दिया है और काफ़ी खूबसूरत ये लग रहा था। इसको चाहे आप इंडोर रखिए, चाहे आप बाहर कहीं पर भी इसको आराम से टांग सकते हैं। तो चलिए दूसरा बनाना शुरू करते हैं कि दूसरा हमको हैंगिंग प्लांटर जो है तो उसको किस तरह से बनाना है। इधर पर बॉटल हमने कट कर ली है, पर फेविकोल और जूट की रस्सी का हम यूज़ करेंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने फेविकोल लगा लिया है। फेविकोल लगाने के बाद इस पे जो जूट की रस्सी है तो इसको हम लपेट देंगे और बहुत अच्छे से इसको लपेटना है कि एक सी लपेट जाइए। और इस तरह से आपको हम दिखा दें कि दोनों ही बोतल जो है तो जो हमने कट की हुई थी तो उस पे इस तरह से जूट की रस्सी लपेट ली है। इस पे आप चाहे जितने सारे जो बॉटल्स हैं तो उनको काट के लगा सकते हैं। हमने दो ही बॉटल का यूज़ किया है। बस इधर पर आप देखिए फिर से हमने सलाई को गर्म किया है और बस इसमें भी हम छेद कर देंगे, जिसमें कि इसको हम अच्छे से हैंग कर सकें। तो देखिए इधर पर हम इस तरह से इसमें डालेंगे और इसके सामने वाले से सलाई को निकाल देंगे, जिसमें कि एक बराबरी में जो होल किए हुए हैं तो वो हो जाएं। और बस इसमें भी हमको रस्सी को बांधना है। देखिए डबल रस्सी हमने ली है और दोनों तरफ की अलग अलग रस्सी हमने काटी थी और लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा कि कितना रखना है। और बस इधर पर एक सिंपल सी नॉट लगा दी है। देखिए कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल नॉट लगा के लगा देना है। इसी तरह से दूसरी तरफ भी जो होल किया हुआ है तो उस तरफ भी हम इसी तरह से जूट की रस्सी को बांध देंगे। तो इस तरह से देखिए एक प्लांटर तो बंध गया है। इधर पर आप देख सकते हैं यदि रस्सी आपकी नहीं जा रही है तो सलाई वगैरह के थ्रू इसको अंदर आप डाल सकते हैं। और बस इस तरह से आप देखिए इधर पर भी हम नॉट लगा देंगे। अब इसके बाद हमको जो दूसरा वाला
बॉटल है तो उसको जब हम हैंग करेंगे तो इसी तरह से इसकी थोड़ी दूरी पर, जितनी दूरी पे आपको रखना है, देखिए इस तरह से आप देख लीजिए कि आपको कितनी दूरी पे दूसरी बॉटल को टच करना है। तो बस इसी तरह से देखिए दूसरी बॉटल को भी हम लेंगे और उसमें भी हम सिंपल सी नॉट लगा देंगे। देखिए इधर से जो किनारा था तो उसको हम इस तरह से डाल के और जहाँ पर जितना एरिया आपको रखना है उस हिसाब से आप इधर पर नॉट लगा दीजिए। याद रखिए कि दोनों ही तरफ की जो नॉट लगेगी तो बिल्कुल एक सी होना चाहिए, जिससे कि बॉटल जो है तो टेढ़ी ना। बस इसमें भी एक सार कर देंगे कि आड़ी टेढ़ी बॉटलें ना हो और बस ऊपर भी एक नॉट लगा देंगे। देखिए नॉट जो लगना है तो वो थोड़ी मजबूती से लगाइएगा जिसमें कि ये अच्छे से टंग सकें। बस ऊपर की साइड पर भी हमको इधर पर एक नॉट लगा देना है जिससे कि टांगने के लिए लूप जो है तो वो तैयार हो जाए। तो देखिए इस तरह से जो हमारा हैंगिंग दूसरा प्लांटर है तो वो भी बन के तैयार हो गया है। इधर पर आप टांगने के लिए बना लीजिए और इधर पर हमने इसको टांग दिया। टांगने के बाद हमने इधर पर पानी डाल के और मनी प्लांट लगाया था और इसको हमने कुछ इसलिए तैयार किया है कि जो हमारी कटिंग वगैरह होती हैं तो उसको तैयार करने के लिए ये काफ़ी अच्छा है। कहीं पर भी इसको टांग दीजिए तो उस जगह की सुंदरता भी बढ़ जाएगी और साथ में हम अपनी कटिंग जो है तो उसको भी अच्छे से लगा सकते हैं। तो देखिए इधर पर हमने मनी प्लांट की कुछ कटिंग लगा दी है तो इस तरह से ये बन के तैयार हो गया है। इस एरिया में पूरे में हमने मनी प्लांट लगा रखा है तो काफ़ी सुंदर एरिया लग रहा था। और देखिए इस तरह से हमारे दोनों ही हैंगिंग प्लांटर बनके तैयार हो चुके हैं। तो चलिए बताना आपको है कि आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे हैंगिंग प्लांटर आपको कैसे लगे। चलिए फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू।